नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसका होगा मंगल, क्योंकि यह है देवभूमि का दंगल। देवभूमि के इस दंगल में हम आपको बता रहे हैं विधानसभा वार, किस विधानसभा में क्या स्थितियां हैं, क्या उसका इतिहास रहा है, क्या वहां पर समीकरण बैठ रहे हैं और कौन कौन वहां से दावेदारी कर रहा है। साथ ही हम आपको यह बता रहे हैं कि इन विधानसभाओं में क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि जनता को इफेक्ट कर सकते हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाली और एक महत्वपूर्ण विधानसभा भी से कहा जा सकता है सहसपुर विधानसभा के बारे में। तो सहसपुर विधानसभा जो कि देहरादून जिले के अंतर्गत आती है, ये विधानसभा कई मायनों में महत्वपूर्ण भी बन जाती है। अगर हम सहसपुर विधानसभा के इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालें तो हम पाएंगे कि सहसपुर विधानसभा देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा है। 2007 से लगातार ये विधानसभा बीजेपी के पास है, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट यहां 2007 में जीते, 12 में जीते और फिर 17 में भी जीते हैं। 2007 में यहां पर बीजेपी के टिकट पर राजकुमार जीते थे। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में इस सीट से सहदेव सिंह पुंडीर चुनाव जीत गए थे। 2012 और 2017 लगातार दो बार वो यहां से विधायक रह चुके हैं। इस वक्त भी मौजूदा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर इस सीट से हैं। सहसपुर विधानसभा सीट में 2017 में, अब सहदेव सिंह पुंडीर को आप वोट देख लीजिए कितने वोट यहां पर पड़े थे। सहदेव सिंह पुंडीर को 2017 के विधानसभा चुनाव में सहसपुर विधानसभा सीट से 44,055 वोट पड़े थे। इसका अगर हम प्रतिशत निकालें तो यह प्रतिशत बैठता है 40.75% वोट पहले कैंडिडेट को, विनिंग कैंडिडेट को, सहदेव सिंह पुंडीर को यहां पर पड़े थे। 2017 के ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अगर हम बात करें तो तत्कालीन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय, उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे थे, हार गए थे, अच्छे खासे मार्जिन से हार गए थे। इसी सीट पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आरिंद्र शर्मा रहे थे, जिन्होंने की कांग्रेस से बगावत कर दी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 14 प्रत्याशी कुल सहसपुर विधानसभा की सीट से चुनावी मैदान में थे। सहसपुर विधानसभा सीट पे हर बार कांग्रेस के पिछड़ने की जो एक बड़ी वजह निकल करके सामने आती है वो ये कि इस सीट पर जब भी चुनाव हुए, यानी कि 2007 से इस सीट लगातार बीजेपी के पास है, तो हर बार चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है कि जो बगावती कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस से, जो बागी होकर के चुनाव लड़ देते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो यहां पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। 2012 में जब आरिंद्र शर्मा को टिकट मिला यही स्थिति देखने को मिली। 2017 में जब किशोर उपाध्याय यहां से चुनाव लड़े तो यही स्थिति देखने को मिली। वजह साफ तौर पर नजर आती है कि क्यों यहां से बीजेपी लगातार ये सीट जीतती हुई आ रही है। अब अगर हम बात करें सहसपुर विधानसभा सीट के जो समीकरण हमने आपको बताया, 2017 के क्या परिणाम थे वो आपको बताया, किस तरह से वोटिंग यहां पर होती है वो आपको बताया। अब बात करते हैं इस बार के जो विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सहसपुर से कौन कौन इस वक्त दावेदार नजर आ रहा है। सबसे पहले बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में यहां से कौन कौन दावेदारी कर रहा है, पोस्टर बैनरों में क्षेत्र में सक्रिय कौन कौन नजर आता है, तो सबसे पहला नाम मौजूदा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर का ही रहेगा। सहदेव सिंह पुंडीर इस सीट पर लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के टिकट से, और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी इनकी दावेदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि मौजूदा विधायक हैं। अब परफॉर्मेंस क्या रहेगा, कामकाज क्या रहेगा, उस हिसाब से टिकट मिलेगा या कटेगा, ये बात की बात, पार्टी की बात, लेकिन फिलहाल दावेदारी इनकी मजबूत रहेगी। बीजेपी से ही अगर हम बात करें तो दूसरा नाम जो सामने आता है वो नवीन ठाकुर का आता है। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, कई जगहों पर आपने डिबेट्स में इनको देखा होगा। नवीन ठाकुर युवा चेहरे भी हैं, तो इनकी भी इस बार सहसपुर विधानसभा सीट से दावेदारी है, ये भी दावेदारी सहसपुर विधानसभा सीट से कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर बीजेपी से दो कैंडिडेट फिलहाल इस वक्त यहां पर नजर आते हैं। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां आगे बढ़ती हैं कौन कौन दावेदारी यहां से करेगा इस पर भी जरूर नजरें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से सहसपुर विधानसभा सीट के लिए कौन कौन दावेदारी कर रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया 2012 में 2017 में समीकरण वहीं पर खराब हो जाते हैं जहां पर कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर जो उम्मीदवार होते हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। कांग्रेस से इस बार के दावेदारों पर अगर हम नजर डालें तो फिलहाल जो नाम सामने आते हैं उनमें आरिंद्र शर्मा पहला नाम सामने आता है। आरिंद्र शर्मा पिछली बार यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, अच्छा खासा वोट लेकर गए थे, लेकिन किशोर उपाध्याय उनकी वजह से हार गए थे। अगर हम बात करें 2012 की, तो 12 में भी उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस वक्त कांग्रेस की कोर कमेटी में कोषाध्यक्ष के पद पर है आरिंद्र शर्मा। दूसरा नाम अगर हम बात करें कांग्रेस से कौन नजर आता है, तो राकेश नेगी यहां पर एक और युवा चेहरे कांग्रेस से जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ये पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं राकेश नेगी, इनकी भी दावेदारी रहेगी। कांग्रेस से ही एक तीसरा चेहरा भी आता है अकील अहमद, जो कि कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री हैं, सहसपुर विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव के लिए इनकी भी दावेदारी यहां पर रहेगी।
तो दो महत्वपूर्ण पार्टियां, दो महत्वपूर्ण दल जिनके इर्द गिर्द ये सीट घूमती है, उनमें कौन कौन दावेदार थे वो हमने आपको बताया। इसके अलावा अन्य दावेदारों पर अगर हम नजर डालें तो इसमें बीरेंद्र सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से यहां पर टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और कितने कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण जो दावेदारी यहां से फिलहाल नजर आ रही है वो ये कि रजनी रावत जो कि पिछली बार रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ गई थी, हालांकि दो सीट से वो चुनाव लड़ी थी, धर्मपुर से भी लड़ी थी, लेकिन इस बार वो सहसपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकने जा रही है, जिसकी की वो घोषणा भी कर चुकी है और निर्दलीय तौर पर वहां पर दावेदारी पेश कर सकती है रजनी रावत। तो ये तो बात थी सहसपुर विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव के लिए कौन कौन दावेदारी कर रहा है। अब अगर बात करें महत्वपूर्ण विषय पर कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि हावी रह सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, जिन पर जनता बात करना चाहती है, तो तीन बड़े मुद्दे ये आपकी स्क्रीन पर रहे। कूड़े की समस्या जो कि सबसे बड़ी समस्या सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की है, लगातार सुर्खियों में ट्रंचिंग ग्राउंड का जो मामला वहां पर चलता है वो बना रहता है। सीसमबाड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड का जो मामला है वो लगातार हाइक में रहा है, वहां पर आंदोलन होते हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, गंदगी का अंबार रहता है, ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर काफी वहां पर मांग उठती आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी समस्या या फिर कह ले दूसरा बड़ा मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र का, तो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण इलाका काफी सारा सहसपुर विधानसभा में आ जाता है, इसलिए कई गांव ऐसे हैं जहां पर कि पेयजल की समस्या बनी रहती है, तो कई गांव में पेयजल की समस्या, तो पेयजल की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में रह सकता है। इसमें मालडूंग पेयजल योजना का भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर है। इसके अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र में देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, काफी जगहों पर बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं रही हैं, लेकिन सहसपुर विधानसभा के अंदर ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, सड़कों की काफी सारी समस्या यहां पर है, लेकिन ये तीन बड़े मुद्दे जो हैं महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि हमने आपको बताए हैं। तो ये था समीकरण सहसपुर विधानसभा सीट का, 2017 में क्या परिणाम थे, इतिहास क्या कहता है, वर्तमान में दावेदार कौन कौन नजर आते हैं और क्या तीन बड़े प्रमुख मुद्दे सहसपुर विधानसभा सीट से हो सकते हैं। सहसपुर विधानसभा की हमने बात करी, आगे भी अन्य विधानसभाओं का गणित, विधानसभाओं का समीकरण आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश देवभूमि का दंगल। फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।